मेरा नाम पिंकी है। पिंकी, तुम्हारे साथ रात में क्या बात हुई? हम बस टीवी देखकर आए और यहाँ पे खाना खाया और फिर बस जैसे ही बात करने लगे तो 10 मिनट बाद हम अचानक से हम सोने लगे, तो फिर कैंची की आवाज़ आई तो मैं एकदम डर के उठ गई। तो मैंने मम्मी को जगाया तो मम्मी ने कहा क्या हुआ, तो मम्मी ने मेरे बाल देखे तो बाल कटे हुए थे। क्या लग रहा है, कौन काट गया बाल आपके? ये तो मैं कह नहीं सकती, पता नहीं, मैंने पलट के भी देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या कोई आवाज़ वगैरह और या कोई दिखाई? नहीं, आवाज़ भी नहीं, बस जब मैं सो रही थी तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ऐसा लग रहा है कि ये रूम एकदम ऐसे घूम रहा है। बड़ा, क्या नाम है आपका? रिक्शा। ये आपने अपने घर के बाल लाल मावर और पैरों में लगाई है, क्या है बस? ये लड़कियों के रात में बाल कट रहे हैं, इस वजह से लगाई है, बताइए किसी ने कि ऐसे ऐसे करो, सुई रखे हुए। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब कहावत में बुजुर्गों ने जो कहा है वो कह जाते हैं, इसलिए लगा रहे हैं, कर रहे हैं। तो गांव में कौन आ रहा है, कौन बाल काट रहा है, सब कुछ ये मालूम नहीं है, कौन आ रहा है, कौन कैसे कट रहे हैं ये बाल। रेनू देवी जी, आपकी बेटी के साथ में क्या बात हुई, पूरी बात बताओ। 12 बजे तक तो टीवी देखे हैं, ये जो दिखाई जा रही है, देखने के बाद यहाँ तो फिर आधे घंटा बोले बतलाए, बोलने बतलाने के बाद फिर कह मम्मी हमको चक्कर से आ रहा, घूम रहा माथा, अगर तुम सो जाओ सवेरे स्कूल जाना है, फिर जी सोएगा, फिर 5 मिनट न हुआ आँख लगाते लगाते मैं इसको, तो मम्मी मेरे केस काट लिया किसी ने, तुरंत उठी एक ही आवाज में। क्या लग रहा है, कोई साजिश लग रही है, क्या भूत प्रेत है, क्या लग रहा है? टीवी को देख के ऐसा हुआ या कोई बीमारी है, क्या मानेंगे? नहीं, कोई बीमारी तो हम तो ये नहीं कहेंगे कोई बीमारी है।